मैं मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। 6 स्थल में माननीय मुख्यमंत्री ने जो पटना का हृदय स्थल है उसको चुनने का काम किया, रेडियो स्टेशन से आए गोलंबर पर और मूर्ति लगा, उसका उद्घाटन ही माननीय मुख्यमंत्री। विपक्षी दल कर रही है कि राजपूत वोट को साधने के लिए जदयू के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है। विपक्षी के पास कुछ मुद्दा है क्या? समता पार्टी जी, मुख्यमंत्री जी, समता पार्टी काल से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समाज को गले लगाए हुए हैं और हमारे समाज के लोग नीतीश कुमार गले लगाए हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सुंदरम कुमार। कल महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में किया जा रहा है और जो आयोजन करता है संजय सिंह है, जदयू से MLC हैं, पूरे आयोजन को यही मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। सबसे पहले जो आयोजन है उसके बारे में बताइए कैसे। देखिए 2020 यानी कि 20 जनवरी 2020 को इसी फील्ड में यानी कि मिलर हाई स्कूल में हम महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि 19 जनवरी को मनता, लेकिन 20 जनवरी को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में भव्य रैली किए थे। उसमें हमने मांग रखा था माननीय मुख्यमंत्री से कि एक महाराणा देश और दुनिया में राष्ट्रत महाराणा प्रताप को लोग जानता है, उनके बलिदान को जानता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग रखा था एक मूर्ति आप हमको दे दीजिए, तो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान ये मेरी मांग को मान लिए थे, लेकिन कोरोना का पीरियड हुआ, 2 साल देखे रहते, विश्व झेल रहा था इस बीमारी से, लेकिन फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया और मुख्यमंत्री 6 स्थल अफसर ने चुना। मैं मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। 6 स्थल में माननीय मुख्यमंत्री ने जो पटना का हृदय स्थल है उसको चुनने का काम किया, रेडियो स्टेशन से आए गोलंबर पर और मूर्ति लगा, उसका उद्घाटन ही माननीय मुख्यमंत्री। उसी के उपलक्ष्य में कल मैं महाराणा प्रताप का जो स्वाभिमान दिवस के रूप में एक भव्य रैली आयोजन कर रहे हैं और पूरे बिहार से किशनगंज छुड़ा के पूरे बिहार से लोग चल दिया है। चलने के बाद कल पटना पट पट जाएगा। कितना लोग आयोजन में रहेंगे, नेताओं का क्या राज तो आप बताएगा? नहीं ना, देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा कितना कह देंगे, 5 लाख आएगा था मुर्ता, आप ना जज हैं, आपको देखना है कितना लोग आया। 2024 लोकसभा चुनाव सामने है, विपक्षी दल कर रही है कि राजपूत वोट को साधने के लिए जदयू के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है। विपक्षी के पास कुछ मुद्दा है क्या? समता पार्टी जी, मुख्यमंत्री जी, समता पार्टी काल से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समाज को गले लगाए हुए हैं और हमारे समाज के लोग नीतीश कुमार गले लगाए हैं। राजद सहयोगी दल आपके वो भी लोग रहेंगे मौजूद? नहीं, हमारा ही अपना है, राजद के कोई नेता नहीं रहेंगे। राजद के नेताओं के द्वारा विवादित बयान भी दिया जा रहा है, 10% आरक्षण वाले लोग को अंग्रेजों का दलाल कह दिया गया और उसके बाद घंटी बजाने का काम दिया गया, ये कह दिया गया। दूसरी तरफ आप लोग राजपूत वोट राजपूत समुदाय के लिए कर रहे हैं, कैसे देखिए? मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कल बात करूंगा इसके बारे में। सुन रहे थे, संजय सिंह थे हमारे साथ। ये जो महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है, चारों तरफ से आपको हम दृश्य दिखाना चाहेंगे। राजधानी पटना में मौजूद है मिलर हाई स्कूल का खेल मैदान है और यहाँ पे अब कितनी कल संख्या में मौजूदगी रहेगी, क्या रहेगी, ये तो कल पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से आयोजन किया गया है काफ़ी सारे लोग भी मौजूद है। और हालांकि आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं, इसको लेकर के भी एक प्रयास हो सकता है कि राजपूत वोट यानी सवर्ण वोटों को अपनी तरफ लुभाने का प्रयास। लेकिन जिस प्रकार से महागठबंधन में दूसरे दल है उनके बारे में जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि वो नहीं रहेंगे, ये जदयू का प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है, हम लोग कर रहे हैं, तो देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन कल होने वाला है, मुख्यमंत्री भी यहाँ पे मौजूद ही रहेगी उनकी भी। फिलहाल कितना ही, बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।